आनंदकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चाहते थे कि युवा पीढ़ी को सत्संग और सुमरण के साथ ही सेवा की ओर भी अग्रसर करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं किशोर स्वर्ण इसरानी, सच्ची बात पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म 23 फरवरी 1954 को हुआ था। उन्होंने 1980 से लेकर लगातार 36 वर्ष संत निरंकारी मिशन का मार्गदर्शन किया। ये जैसे सूर्य हर किसी के लिए इसकी अहमियत है, इसीलिए ये सत्य के ऊपर आधारित पैगाम भी हर किसी के लिए अहमियत रखते हैं। इसी प्रकार से ये महापुरुषों का, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों का संदेश भी हर किसी के लिए है। अगर भगवान कृष्ण का गीता का अमर संदेश और भगवान कृष्ण के जीवन की अहमियत, इस मथुरा शहर की अहमियत जो भगवान कृष्ण जी के कारण, तो उनका भी जो संदेश रहा है वो भी यूनिवर्सल रहा है। उन्होंने भी अगर ज्ञान की बात की है, कर्म की बात की है, उपासना की बात की है कि ज्ञान की रोशनी की जरूरत हर किसी के लिए है। जैसे सूर्य की रोशनी की जरूरत हर किसी के लिए है, वो भी जो ज्ञान रूपी रोशनी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रदान कर रहे हैं, तो एक अर्जुन के लिए उसकी अहमियत नहीं है, वो हर इंसान के लिए ज्ञान की रोशनी की अहमियत है। संत निरंकारी मिशन के चौथे सदगुरु के रूप में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सत्य प्रेम, भाईचारे और एकत्व का संदेश दिया। रंग नस्ल का भेद मिटाया आपने, रंग नस्ल का भेद मिटाया आपने, एकत्व का जहां बसाया आपने, क्या कमाल कर दिखाया आपने, एकत्व का जहां बसाया आपने। आपकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा दी। आपने केवल निरंकारी जगत पर ही नहीं बल्कि संसार के हर वर्ग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। बाबा हरदेव जी ने सबको परम तत्व निरंकार परमात्मा के साथ जोड़ा। अंधकार हर किसी के लिए ठोकरों का कारण बनता है, वो पंजाबी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, मराठी हो, अमेरिकन हो, जापानी हो, बड़ा हो, छोटा हो, उम्र के लिहाज से, पदवी वाला हो, राजा हो, सम्राट हो, या फिर एक सब्जेक्ट या फिर एक करिंदा हो, तो हर किसी के लिए अंधकार ठोकरों का कारण बनता है। अगर राजा के महल में भी अंधकार है तो वो भी ठोकरें खाएगा। कीमती से कीमती सामान पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, बड़े एक कीमती पोर्सलिन के या फिर और ऐसे ऐसे वहां पर सामान पड़े हुए हैं जिनकी हजारों डॉलर कीमत हो सकती है, लेकिन उसी महल में, उसी कमरे में अगर अंधकार है तो कीमती सामान होने के बावजूद और उस इंसान का राजा होने के बावजूद वो ठोकरों का कारण बनता है। इसलिए अंधकार तो हर किसी के लिए ठोकरों का, भ्रमों का कारण ये हमेशा से बना रहा है। और उजाला, उजाला हमारे सफर को सरल बना देता है, हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो अंधकार ने हमेशा ठोकरें दी हैं और भ्रमों में रखा है, उजाले ने हमें ठोकरों से बचाया है और साथ ही साथ भ्रमों का नाश भी उसी उजाले के कारण हुआ है। तिमिर ग्यो रवि देखते, रवि सूर्य को कहते हैं। तिमिर अंधकार का मिटना सूर्य की रोशनी के कारण है, यानी कि उजाले के कारण है। तो ये उजाला जीवन में आ जाए हर किसी के लिए, यही एक जतन और प्रयास ये महापुरुष संत जन ये हमेशा करते आए हैं। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 13 मई 2016 को अपनी शारीरिक यात्रा पूर्ण की। 13 मई को अब समर्पण दिवस मनाया जाता है। आज मैं आपको 13 वर्ष पहले की एक बात बताऊंगा और ये बात है अप्रैल 2007 की, जब पहली बार दिल्ली में निरंकारी युवा
प्रतिभा विकास शिविर आयोजित किया गया। एक सप्ताह तक चले इस शिविर के समापन पर निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि युवा शक्ति को जब बड़ों के अनुभव का सहयोग प्राप्त हो जाए तो वह असाधारण कामयाबियां प्राप्त कर सकते हैं। बाबा हरदेव जी ने कहा कि आध्यात्मिक नींव पर जीवन के शेष सभी क्षेत्रों में बड़ी से बड़ी कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता से जीवन में नैतिकता आती है और जीवन निखरता है। युवावस्था में मिली आध्यात्मिक उपलब्धि जीवन भर साथ रहती है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चाहते थे कि युवा पीढ़ी को सत्संग और सुमरण के साथ ही मानव सेवा की ओर प्रेरित करना बहुत जरूरी है। इनसे युवाओं को एक अलग पहचान मिलती है और वे दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। बाबा हरदेव जी ने मानवता को समर्पित जीवन जिया और विश्व भर में हर इंसान तक सच का पैगाम पहुंचाया। बाबा हरदेव जी ने भक्तों को सदैव देश के प्रति जागरूक होकर सकारात्मक योगदान की सीख दी, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तदान शिविर और स्वच्छता का अभियान दुनिया ने देखा और सराहा। बाबा जी की शिक्षाओं ने हर आम और खास पर अपनी छाप छोड़ी। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि अक्सर बाबा हरदेव जी के तप त्याग और मानवता के लिए की गई सेवाओं से प्रभावित रहते थे। लगातार 36 वर्ष निरंकारी मिशन की पहचान बन चुके बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 13 मई 2016 को साकार से निरंकार हो गए। आपके द्वारा मानवता को समर्पित किए गए जीवन को सदा याद रखा जाएगा। ये ज्ञान की दृष्टि से हमने देखना है इस जगत को, इस संसार को। तो ये ज्ञान उजाला ये हमेशा ही हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी ये साबित हुआ है कि इंसान तो जाग जा और प्राप्त कर ले जो प्राप्त करने लायक है, जाग कर जान ले जो जानने योग्य है, जाग कर तू मंजिले मकसूद को प्राप्त कर ले, इस भटकन से उभर जा, इन बंधनों से निजात प्राप्त कर ले। ये प्राप्ति, ये जागृति, ये रियलाइजेशन, ये ज्ञान जो अन्य योनियों में संभव नहीं है, चाहे वो लाखों की संख्या में वो योनियां हैं, लेकिन इंसानी योनि इसी में वो संभावना है, ये संभव है। मन के अंधकार ने, मन के अज्ञानता ने हमें वैर से भर दिया, हमें अभिमानी बना दिया। अगर वैर से भर गए, अभिमान में चूर हो गया ये मन, तो ये लोग तो कभी भी सुखी होने वाला नहीं है, ये लोग तो कभी भी संवरने वाला नहीं है। जितनी देर मन में अंधकार है और अंधकार के कारण भ्रम है, वो हमें अभिमानी और घृणा वाला बनाए रखेगा। तो कैसी लगी ये स्टोरी, आप हमें जरूर बताना और साथ में शेयर करना। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात।